हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों को मेरे इजी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता है। तो आज मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, थोड़ा देखकर सुनकर थोड़ा सोच में पड़ने वाला है। तो ये इस वक्त मैं जापान से बोल रहा हूँ, और जापान में एक ऐसा छोटा सा दुकान है जिसको हम मुजी हंबाई बोलते हैं। मुजी हंबाई, तो मुजी हंबाई का मतलब यही है कि जो दुकानदार नहीं होता है, देयर इज नो शॉपकीपर ऑन दैट शॉप। सो ये बहुत हैरान करने होने वाले चीज़ है हमारे हिंदुस्तान के लोगों के। जैसे हमारे हिंदुस्तान में झूठ बोलना, चोरी करना, लोग ईमानदार से ना चलना, ऐसा हमारे हिंदुस्तान में बहुत मिलता है। तो इसलिए अभी भी 21st सेंचुरी में भी यहाँ जापान में एक ऐसा शॉप है जो कोई दुकानदार नहीं होता है। लोग वहाँ से जो इतना भी जो रेट्स लिखा होता है तो उसके हिसाब से पैसा डाल के चले जाता है। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा सीख है समझता हूँ। तो चलो हम थोड़ा देखते हैं इस वीडियो को, किस तरह ये लोग वहाँ से सब्जी खरीदता है। तो इस वक्त जापान में अभी फ्रूट्स का सीजन तो ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए फ्रूट्स का जो जितना भी इससे छोटा छोटा शॉप है, बुजिंग हंबाई जो शॉप बोलता है वो है, जो वो अभी ख़त्म हो चुका है, वो अभी बंद हो चुका है। लेकिन अभी सब्जी का भी ख़त्म होने वाला है जापान में। सब्जी का जो सीज़न है अभी, जो आसपास के गांव में जो खेती बाड़ी होता है वो अभी ख़त्म होने वाला है। इसलिए अभी सब्जी भी बहुत कम देखने को मिलता है। जो बहुत सारे जो छोटे जो दुकान है, मुजिंग हंबाई वाला जो दुकान है वो खड़ी पड़े हुए हैं। जैसे आप लोग ये स्क्रीन की साइड पे देख रहा है तो बहुत सारे दुकान खड़े पड़े हुए हैं। तो ये सब वाला दुकान अभी भी 21st सेंचुरी में यहाँ पे लोग ईमानदारी से लोग पैसा वहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है इसे डाल के चले जाता है। ये जैसे अभी हम दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ यहीं पे नहीं है कि छोटे से गांव पे, गांव की बात नहीं, ये बड़े बड़े शहर में भी होता है। जैसे जहाँ पे बहुत कंजस्टेड हो, बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पर भी ऐसे होते हैं। तो अभी इस वक्त मैं उसी शॉप के पास खड़ा हूँ। तो मैं खरीदना चाहता हूँ एक पटोटोस मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। तो यहाँ पर ये पटोटोस है, ये है पैकेट और इसको 100 yen है। 100 yen बोले तो हमारे इंडियन रुपीस में 70-80 रुपये के आसपास होता है। तो ये 100 yen, ये 100 yen में इसमें चलता हूँ। चलो दोस्तों, हम दूसरी आय के बाद आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक ऐसा मशीन होता है, आप लोगों को ये तो देखा होगा न्यूज़ वगैरह में, जापान में एक ऐसा मशीन होता है जिसको जिदो हम बाइक की बोलता है। तो अभी थोड़ा इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए तो समझ। तो अभी मैं उस जगह पे पहुंच गया हूँ जहाँ ये जिदो हम बाइक की बोलते हैं इसको। तो थोड़ा आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह ये जिदो हम बाइक की ये यूज़ करता है, किस तरह यहाँ से हम खरीद सकता है जूस वगैरह। चलो हम उसको थोड़ा देखते हैं। जैसे अगर मैं ये पीना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर एक रिंगो जूस मतलब एप्पल जूस है, तो यहाँ पर लिखा है 120। मैं इस यहाँ पे ये डालता हूँ 100 yen। चलो इस बार मेरे पास 20 yen नहीं है तो मैं 200 yen डालता हूँ। तो जैसे डाल के यहाँ पर ये जो नेशन आ गया, जो जो खरीद सकता है तो उसके ऊपर ऐसा एक नेशन लाइट आ
आता है, तो जैसे मैं रिंग गोज खरीदने जाता हूँ तो इस बटन को ऐसे करूँ तो यहाँ नीचे आ गया जूस, और यहाँ पे जो चेंज है बाकी चेंज इसमें आ गया, ये ऑटोमेटिकली ऐसे आता है। तो यहाँ से चेंज उठाऊँ, बाकी चेंज आ गया तो मैं यहाँ से जूस पी उठाऊँ। तो यहाँ पर हो गया, ये बहुत सारे मशीन्स, दो तीन मशीन्स लगा हुआ है, और यहाँ पर बैठने का जगह भी रखा है। देखो कितनी अच्छा जगह बनाया है, ऊपर ऐसे तंबू लगा के, वाटर प्रूफ तंबू लगा के, और नीचे हम बैठ के जूस वगैरह पी सकता है। तो जब यहाँ से पीने के बाद जो हमारा ये जो खाली बॉटल्स है इधर उधर नहीं फेंक सकता है, तो उन्होंने यहाँ पर फैसिलिटीज रखा है। तो बॉटल्स के लिए या ऐसे प्लास्टिक बॉटल्स के लिए जो शीशा होता है ना, शीशा के लिए अलग अलग रखा होता है। जैसे यहाँ पर दो तीन है, तो ये वाला जो है कैन का, जो स्टील का होता है ना, स्टील वाला जो बॉटल होता है वो है, और ये वाला प्लास्टिक है, इस वाला प्लास्टिक है, तो हम मेरे वाले प्लास्टिक वाले में डाल देंगे। तो इसी तरह अलग अलग करके रख, तो यहाँ पर जो भी जो फेंकते है, जो भी चीज ये अलग अलग फेंकते है, तो जैसे यहाँ पे जो इस मशीन के अंदर जो प्लास्टिक का भी होता है, बॉटल्स का भी होता है, और जो कैन होता है ना स्टील वाला, तो ये तीनों का अलग अलग होता है। तो उनके हिसाब से यहाँ पर जो डस्टबिन भी रखा होता है जो अलग अलग पहने के लिए, तो हम उसमें देख के जो जिस जगह प्लास्टिक है उस प्लास्टिक वाला प्लास्टिक में, बॉटल्स वाला बॉटल्स में, और कैन वाला कैन में, ऐसे अलग अलग चीज़ें, यहाँ तक कि ढक्कन भी ये अलग होता है, जो उसका ढक्कन होता है ना प्लास्टिक बॉटल्स और ये ग्लास का बॉटल्स का, तो इनकी जो ढक्कन अलग अलग है, इनको भी रीयूज करता है। तो इस तरह यहाँ पे बहुत रूल्स, अच्छे अच्छे रूल्स होता है हर जगह पे, इस तरह इसकी वजह से तो यहाँ पे साफ सफाई बहुत अच्छे रहता है। तो यहाँ से हम बिल्कुल सीखना पड़ेगा, ये चीज़ों है हम हमारे देश के लिए बहुत एक लेसन है, हम इनसे सीखना चाहिए। शॉप एक ऐसा शॉप है जैसे हमारा हिंदुस्तान में जो छोटे छोटे जनरल स्टोर होता है, तो वैसे ही है, हर जगह में होता है। जैसे हम थोड़ा दूर जगह में भी जाए तो यहाँ पर कभी कभी होता है ऐसा वाला जो मशीन रखा होता है, तो वहाँ से हम थोड़ा बहुत जूस वगैरह, कोको कोला, पेप्सी या फेंटा वगैरह हम ले सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो उसका जो मालिक है उसको भी वहाँ पर टाइम पास वहाँ पर करना नहीं पड़ेगा, तब भी उसको पैसा थोड़ा बहुत कमा लेता है, ये बहुत अच्छी बात है। चोरी वोरी करना, यहाँ पर तोड़ फोड़ करना, ऐसा बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। चलो दोस्तों, तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हम उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और एक क्या बोलता है कि लेसन मिला होगा यहाँ से। तो अभी भी 21st सेंचुरी में लोग यहाँ पे इस तरह ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो हम मिलेंगे आपको दूसरा एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक सबको धन्यवाद।